हेलो फ्रेंड, सक्सेस प्लस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना SBI PO का टारगेट बैच। किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए पहले हमें जानना होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि यहाँ SBI PO में हम देखेंगे कि यहाँ पे तीन फेस होते हैं जिसको हमें क्लियर करना होता है और तब जाके हम SBI PO बन पाते हैं। फर्स्ट फेस में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आता है, तीन सेक्शन होते हैं, 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होता है। फर्स्ट फेज के अंदर पहले पहले आता है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 35 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी। ये सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होते हैं और इन सभी क्वेश्चंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी होती है और साथ के साथ ओवरऑल कट ऑफ। इन सब के लिए आपको 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, सेक्शनल कट ऑफ को निकाल देंगे, तो बैंक 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से आपको कॉल करेगी, आपकी मेरिट लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट निकालेगी और आपको नेक्स्ट फेज के लिए तैयार करेगी, यानी कि मेन एग्जामिनेशन। फेज सेकेंड की बात करें तो मेन एग्जामिनेशन होता है। ये मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसमें 200 मार्क्स का होता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है 50 मार्क्स का। दोनों ही पेपर ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। आपको पहले ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा 200 मार्क्स का, जब आप वह कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर भी देना होगा कंप्यूटर पर बैठ के ही। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको कीबोर्ड से टाइप करके देना होगा। 200 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होगा उसके अंदर 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहले होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 मार्क्स के, और आपको इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 1 आवर्स का होगा। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 मार्क्स का, 45 मिनट्स दिए जाएंगे। तीसरा होगा जनरल अवेयरनेस, ये आपका होगा 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स में करने होंगे। और चौथा होगा इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स में। इसका मतलब है ये टोटल आपको टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। और आपको ईच सेक्शन जो आपका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है उसी के अंदर ही करना होगा। जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा 3 आवर्स का, तब उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर का इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके अंदर आपको लेटर राइटिंग एंड एसे दोनों को ही डिस्क्रिप्टिव में देना होगा और कीबोर्ड से ही आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब तक आपका ये पेपर आए डिस्क्रिप्टिव, उससे पहले आप अपनी कंप्यूटर की से कीबोर्ड से स्पीड बढ़ा पाए, जिससे कि वहां पे आपको कोई दिक्कत ना आए। फेज सेकंड खत्म होने से पहले आपको बता दें कि दोनों ही फेज में आपके गलत आंसर्स के पेनल्टी मार्क्स होंगे। यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट थिंग्स। इसका मतलब है कि अगर यदि आपके मैथ्स में क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपका उसी के हिसाब से मार्क्स कटेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका जो मार्क्स है उसका उसी के हिसाब से कटेगा। ये नहीं है कि आपका 0.25 हर किसी सेक्शन में खत्म हो जाए, क्योंकि मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। इंग्लिश के जो मार्क्स है वो थोड़ा कम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपका फेज टू कंप्लीट हो जाएगा और आप फेज टू को क्लियर कर जाएंगे, तो आपके पास आएगा GD और इंटरव्यू के लिए कॉल। मीन्स आप मेरिट लिस्ट में नाम आते ही आपके लिए इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे आप, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको GD और PI के टाइम एक ही टाइम पे होगा, ठीक है। GD के जो मार्क्स रहेंगे वो 20 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। इन दोनों में भी आपको सेक्शनली निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका SBI डिसाइड करेगी कि क्या मार्क्स जाता है GD और PI के लिए, ठीक है। जब आप इस फेज को क्लियर कर जाएंगे, कंप्लीट कर जाएंगे, तो मेन आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में क्या होता है कि आपके जो प्री के मार्क्स होते हैं वो तो ऐड होते ही नहीं है,
ठीक है, जो ऐड होते हैं वो क्या क्या ऐड होते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो फेज टू में हुआ है, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फेज टू के अंदर जो हुआ है उसके मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन इन जी एंड इंटरव्यू, उसके मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स ऐड हो जाते हैं और लास्ट में जाके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट में, इस मेरिट लिस्ट में क्या होता है, ठीक है, जो आपके रिटर्न टेस्ट होता है वो 250 मार्क्स का होता है, उसे SBI 75 मार्क्स में कन्वर्ट कर देती है, और जो बाकी का जो 25 मार्क्स होता है वो GD और PI में उसे 50 मार्क्स से कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन्स टोटल ये आपको 100 मार्क्स में कन्वर्ट करके देते हैं और लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट में डिसाइड करते हैं कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वेल एंड गुड, और होने भी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज है आज के इस वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपको इसके अपडेट्स और भी मिलते रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे लिंक को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।